नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं stnews.co.in में, जहां आज आपको लेकर आए हैं राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में, जहां पे रूमी गेट लखनऊ का सबसे मशहूर जगह है, वहां पे मौजूद है घंटाघर। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि घंटाघर मौजूद है। वहां पे कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं जो किसी वाद विवाद को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए उन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं और क्या उनकी समस्याएँ हैं, जिस वजह से आज इनका ये संगठन जो है इकट्ठा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। जो है ये बताइए, किस वजह से आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? ये जो देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, ये उसके ऊपर हमारे तमाम सामाजिक संगठन हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं, ये सब लोग हमारा साथ देने का। देखिए, मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो है इसमें सरकार को इन मॉब लिंचिंग घटनाओं के खिलाफ एक बाकायदे कानून बनाना चाहिए। और जितने किस घटना को लेकर आप लोगों का ये प्रदर्शन है? एक कोई जो घटना है, एक तो है नहीं, ये कई घटना है। खेता राम से लेकर के अब परसों अकबर खान तक की मौत की बात है। ये जो है इस साल जो है, मैं आपको बता दूं कि टोटल 61 हमले हुए हैं, जिसमें 24 लोगों की जान गई है। अब पिछले दो महीने में 16 हमले हुए हैं, जिसमें 11 लोगों की जान गई है। तो क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, तो पहले से ही ध्वस्त है। जो है जब से सरकार बनी है, तो कानून व्यवस्था तो पहले से ही ध्वस्त है। हाँ, तो इसी वजह से आप लोगों का ये प्रदर्शन है? इसी वजह से ये हमारा प्रदर्शन है जो है। और यहाँ पर कई विक्टिम भी हैं, एक दो विक्टिम भी आए हुए हैं यहाँ पर। कौन है बता सकते हैं आप? विक्टिम संध्या अस्थाना जी हैं, जो कि कानून व्यवस्था की बहुत मारी हुई है। अच्छा, तो आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उबैद नासिर। तो ये बताइए, किस वजह से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? देश में ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उसे तुरंत अमल दखल किया जाए। तो आइए, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, स्टॉप दिस टाइपिंग ऑफ। क्या नाम है आपका? ये बताइए, किस वजह से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? मैं तो यहाँ, मैम लोग बुलाई थी, तो मैं इसलिए आई थी यहाँ पर। किस वजह से? कि आपने ये पकड़ लिया है क्या? ये जैसे भीड़ में जो लोगों को मारने लगते हैं लोग, उस वीडियो बनाते हैं लोग, मैं इस वजह से यहाँ आई हूँ। मतलब उसके लिए। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम रफत फातिमा। मैं यहाँ पे आज भीड़ तंत्र ने जो लोगों को मारने का एक लगातार आप देख रहे होंगे घटनाएं घट रही हैं, कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लोग मार देते हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ पे करने आए हैं। अभी अलवर की घटना को लेके, खास अभी थोड़े दिन पहले की अलवर की घटना है। मांग है आप लोगों की सरकार? बस सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए इसके लिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन इतना ढीला है सिस्टम, इतना बेकार है कि वो कुछ करते ही नहीं है। पुलिस वाले भी इसमें संलिप्त हैं। इस मर्डर है एक तरीके का ये, और जो है इसमें पुलिस भी है। इस तरह की हत्याओं पे रोक लगाने के लिए आप लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है? जी बिल्कुल। तो आइए एक दो लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर फैसल, लखनऊ प्रभारी, आई सपोर्ट अखिलेश। तो ये बताइए, जो आज आपकी भारी संख्या में आपके संगठन ने यह प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे सामने ये तस्वीर है, सबसे पहले मैं इसे दिखाना चाहता हूँ। ये इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये जो गाय के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पर, और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ग्रुप चल रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैला करके एक पूरा का पूरा लोगों का झुंड, और किसी बेकसूर आदमी को पकड़ के उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे मारा जाता है कि वो अधमरा हो जाता है, और उसके बाद पुलिस इतनी ज़्यादा लापरवाही कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती। जैसा कि आपने अलवर वाले मामले में देखा कि रकबर खान, जिसे करीब कई से लोगों की भीड़ ने मारा, और पुलिस उसको लेकर के जाती है, 6 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है आपका, वहाँ नहीं जाते हैं, 4 घंटे आप लगाते हैं, पुलिस चाय पीने का ब्रेक लेती है। तो पुलिस से पूछना चाहते हैं हम, जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, और सरकार से भी, कि आपने अपनी कैसी निकम्मी पुलिस रखी है, जो चाय पीने के लिए और गाँव को गौशाला पहुँचाने के लिए उसके सामने का अधमरा आदमी, उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जैसा कि आपने प्रदर्शन का देखा कि गौ रक्षक के नाम पे निर्मम हत्याएं लोगों की हो रही, उसी का ही विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे थे। तो आइए एक महिला, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीना है। ये बताइए, किस वजह से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? हम लोग यहाँ पे जो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, कभी हिंसा के नाम पे, कभी गौ रक्षक के नाम पे, कभी बच्चा चोरी के लिए, उनके उसे में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। हत्याएं बंद होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे कुछ लोग जिनका अब ये प्रदर्शन हो रहा था कि निर्दोष लोगों को भीड़ में मार दिया जाता है। तो आइए एक दो लोगों से और बात करें। क्या नाम है आपका? मैं
नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी है। तो ये बताइए, जो मांगे आप लोगों के संगठन के लोगों की, वही मांगे आप लोगों की भी होंगी? जी बिल्कुल। तो कुछ लोग बता भी नहीं पा रहे, क्या नाम है आपका? भाई मैं सुल्तान कुरैशी, लखनऊ इंदिरा नगर से। मेरा मॉब लिंचिंग या भीड़ तंत्र के खिलाफ एक ही इतना कहना है कि भीड़ किसी अजनबी को नहीं मारती है, अगर ये निशाना किसे बनाया जाए बस ये सत्ता तय करती है। इतने लोगों को मार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आ गया, लेकिन फिर भी ये मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। राजनीति क्या, आप खुद ही देखिए, कटियार जैसे लोगों का बयान आ रहा है इसके ऊपर कि ये चीज़ सही हो रही है मॉब लिंचिंग, तो क्या कहा जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन किस बात के लिए इन लोगों का था, इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें।